हेलो स्टूडेंट्स आई एम राजश्री मैम एंड यू आर वाचिंग माय चैनल इंग्लिश गाइडेंस फॉर स्कूल चिल्ड्रेन टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ शॉर्ट स्टोरी बाय रास्किन बॉन्ड द चेरी ट्री दिस दिस इज आई हैव टेकन फ्रॉम द बुक न्यू मालबेरी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सिक्स ये कहानी जो है रास्किन बॉन्ड का लिखा हुआ द चेरी ट्री इसको मैं समझाने जा रही हूँ रास्किन बॉन्ड लिव्ड मेनी मैनीयर्स इन द हिमालयन फूर्टिस रास्किन बॉन्ड बहुत सालों तक हिमालय में रह चुके थे इसीलिए उनके स्टोरीज़ ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे स्टोरीज़ हैं जो कि हिमालय के बैकग्राउंड पे ही लिखा गया है मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज आर सेट इन द ऑन द बैकग्राउंड ऑफ़ हिमालय दिस स्टोरी इज़ आल्सो रिटन इन द बैकग्राउंड ऑफ़ मसूरी तो ये सो लेट स्टार्ट विद द स्टोरी द चेरी ट्री वन डे वेन राकेश वॉर सिक्स ही वर्क होम फ्रॉम द मसूरी बाज़ार ईटिंग चेरीज एक दिन राकेश राकेश इज अ स्मॉल बॉय ऑफ सिक्स और वो आ रहा था मसूरी बाजार से चेरी खाते हुए दे वेर अ लिटल स्वीट अ लिटल सावर स्मॉल ब्राइट रेड चेरीज वो थोड़ा सा स्वीट था थोड़ा सा सावर था और स्मॉल ब्राइट चेरी का तो रंग रेड होता ही है जानते ही हो चेरी रेड कहा जाता है तो वो खाते हुए आ रहा था वी शैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली जो कि कश्मीर वैली से वहाँ पर आ, आता था मतलब इम्पोर्ट किया जाता था हियर इन दिमालयन फ्रूट हिल्स वेयर राकेश लिव्ड देयर वेर नॉट मेनी फ्रूट ट्रीज जहाँ पे राकेश रहता था हिमालय फ्रूट हिल्स में वहाँ पे ज़्यादा फ्रूट ट्रीज नहीं थे क्यों द सॉयल वॉज स्टोनी एंड द ड्राई कोल्ड वेंस स्टैंड द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट्स तो क्योंकि वहाँ का सॉयल जो है वो स्टोनी था और दैट मीन्स द सॉयल वॉज एरिड मतलब जहाँ पे अच्छे से पेड़ पौधा उगता नहीं था और ड्राई कोल्ड विन स्टंटेड और बहुत तेज ठंडा हवा वहाँ पे बहता था सूखा सूखा और ठंडा हवा स्टंटेड स्टंटेड मीन्स ऑब्स्ट्रैक्टेड स्टॉप्ड द ग्रोथ ऑफ़ मोस्ट प्लांट्स और ये इसके कारण मान कोई भी पेड़ पौधा वहाँ से वहाँ पर अच्छे से उगता नहीं था बट ऑन द मोर शेल्टर्ड स्लोप्स देयर वेयर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड देवदार लेकिन कहीं कहीं शेल्टर्ड शेल्टर मतलब जहाँ पे थोड़ा सा प्रोटेक्शन था स्लोप स्लोप मीन्स पहाड़ का पहाड़ का ढलान जानती हो तो स्लोप mm, में शेल्टर्ड मतलब जहाँ पे थोड़ा सा प्रोटेक्शन था जहाँ पे उतना ठंडा हवा नहीं आता था देर वेयर फॉरेस्ट ऑफ ओक एंड देवदार वहाँ ओक और देवदार का ट्रीज होते थे राकेश लिव्ड विथ इस ग्रैंडफादर ऑन द आउटकार्ड्स ऑफ मसूरी राकेश अपने ग्रैंडफादर के साथ मसूरी के आसपास रहते थे रहता था जस्ट वेद द फॉरेस्ट बिगैन और उसके बाद ही फॉरेस्ट शुरू हो जाता था वहाँ जा, जहाँ वो लोग जहाँ पर रहते थे उसके आगे फॉरेस्ट था ग्रैंड फादर वॉज रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर ग्रैंड फादर एक फॉरेस्ट रेंजर थे रिटायर हो चुके थे फॉरेस्ट रेंजर मतलब जो फॉरेस्ट का देखभाल करते थे He had a little cottage outside the town. और उनका टाउन के बाहर एक तो छोटा सा कॉटेज था राकेश वॉज ऑन हीज वे फ्राम होम वे वे होम फ्रॉम स्कूल वेर ही बॉर्ड द चेरीज राकेश अपना स्कूल से लौटते हुए चेरी खरीदा था ही पेड फिफ्टी पैसे फॉर द बंज वो हर हर बंच के लिए फिफ्टी पैसे दिया था इट टू किम अबाउट हाफ एन आवर टू वॉक होम उसको आधा घंटा लगता था घर आने के लिए बाई द टाइम ही रिच द कॉटेज देर वर ओनली थ्री चेरीज लेव तो जब वो घर पर आया कॉटेज पर तब तक सिर्फ तीन चेरी बचे हुए थे देर वर ओनली थ्री चेरीज हैव अ चेरी ग्रैंड फादर ही सेड अपने दादाजी से कहा कि लीजिए ग्रैंड फादर ही एज सुन एज ही सॉ हिज ग्रैंड फ़ादर इन द गार्डन जब ग्रैंड फादर को उसने गार्डन पे देखा तो उनको चेरी ऑफर किया ही ऑफर चेरी टू हिज़ ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर टू वन चेरी एंड राकेश प्रोम्पली एट दी अदर टू और जहाँ ग्रैंड फादर ने एक चेरी खाया राकेश प्रोम्पली दैट मीन्स क्विकली ये वो दूसरा दो मैंने बाकी दो ठो खा लिया छोटा बच्चा है तो ग्रैंड को दिया तो है लेकिन फिर भी उसको खाने का मन कर रहा था इसीलिए जल्दी से वो दोनों खा लिया ही केप द लास्ट सीड इन हिज माउथ फॉर सम टाइम और लास्ट सीड को उसने अपने मुंह में काफ़ी देर तक रखा रोलिंग इट राउंड एंड राउंड ऑन हिज टैंग अनटिल ऑल द टैंग हैड गॉन और अपने जीप में उसको रोल कर रहा था बार बार और उसका जब तक कि ना उसका टैंग टैंग मीन्स इट्स स्वीट एंड सावरी टेस्ट हेड गॉन उसका सारा टेस्ट जब तक ना ख़त्म हो गया तब तक वो मुँह पे रखा उसको चुस्ता रह गया देन ही प्लेस द सीड ऑन द पॉम ऑफ इज हैंड एंड स्टडी डिड और उसके बाद अपने हाथ पे उसका सीड रखा और देखने लगा आर चेरी सीड्स लकी आकेश राकेश राकेश ने पूछा अपने ग्रैंडफादर से कि चेरी सीड्स क्या लकी होता है ऑफकोर्स तो ग्रैंडफादर ने कहा हाँ जरूर देन आई विल कीप इट आप तब मैं इसको रखूंगा नथिंग इज लकी इफ यू पुट इट अवे तो ग्रैंड फादर ने कहा कि इफ यू पुट इट कीप इट एज इट इज अगर ऐसे रख दो कोई भी चीज लकी नहीं होता है इफ यू वॉन्ट लक यू मस्ट पुट इट टू यूज अगर तुमको लक चाहिए तो तुमको ये कोई काम पे यूज करना चाहिए इसको वट कैन आई डू विथ अ सीड तो उसने पूछा कि मैं इस को लेके क्या कर सकता हूँ प्लांट प्लांट इट तो राकेश ग्रैंडफादर ने कहा कि उसको प्लांट कर दो सो कर दो मतलब मिट्टी के नीचे दबा दो सो so, राकेश फाउंड अ स्मॉल स्पेड एंड बिगैन टू डिग अप अ फ्लावर बेड और उसके बाद राकेश एक तो स्पेड लेकर जिसको बेलचा कहा जाता है उसको लेकर वो डीग करने लगा फ्लावर बेड को डीग करने गया जो मतलब जहाँ पे फूलों फूल लगा हुआ था है नॉट देर सेट ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर ने कहा कि वो oh, नहीं 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 वहाँ नहीं आई हैव सोन मास्टर इन दैट बेड मैंने वहाँ पर सरसों लगाया है प्लांट इट इन दैट शेडी कॉर्नर वेर इट वी डिस्टर्ब वहाँ पे शेडी कॉर्नर पर लगा दो जहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा उसको राकेश वेन टू अ कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द आर्थ वॉज सॉफ्ट वो गार्डन के एक तरफ गया जहाँ पे ज़मीन जो है थोड़ा सा नरम था ही डिड नॉट हैव टू डी उसको खोदने का जरूरत नहीं पड़ा ही प्रेस्ट द सीड इन टू द सॉयल विथ हिस्तम एंड इट वेंट राइट इन उसको सीड को सॉइल पे दबा दिया तो वो अंदर चला गया देन ही हैड हिज लंच एंड रैन ऑफ टू प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स अब उसके बाद खाना खा के वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के लिए चला गया एंड फॉर गॉड ऑल अबाउट द चेरी सीड उसके बाद वो चेरी सीड के बारे में भूल गया वेन इट वॉज विंटर इन दिल्स अ कोल्ड विंड ब्लू डाउन फ्रॉम द स्नोज एंड वेंट हु इन द देवद ट्रीज एंड द गार्डन वॉज ड्राई एंड पेयर इसके बाद विंटर सीजन शुरू हो गया और बहुत भयानक ठंडा हवा बहने लगा स्नो गिरने लगा और हु करके आवाज़ होने लगा देवदार ट्री में ट्री कैसा होता है कॉनिकल शेप का होता है लंबे लंबे पत्ते होते हैं उसमें जब हवा बहता है उसके ऊपर से तो बहुत जोर से आवाज़ होता है और गार्डन बस ड्राई एंड बेयर बेयर मीन्स उसमें घास भूस सब उड़ गया पूरा खाली हो गया इन द इवनिंग्स गार्ड ग्रैंड फादर एंड राकेश सैट ओवर अ चारकोल फायर एंड ग्रैंड फादर टोल्ड राकेश स्टोरीज और शाम होते ही ग्रैंडफादर और राकेश एक साथ बैठ जाते थे आग जला के और ग्रैंडफादर राकेश को स्टोरीज़ बोलते थे स्टोरीज़ अबाउट पीपल हु टर्न इन टू एनिमल्स वो सा फेरी टेल वाला स्टोरी जिसमें पीपल एनिमल्स बन जाते थे एंड इन टर्न राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़ पेपर और उसके बदले में राकेश न्यूज़ उनको पढ़ के सुनाते सुनाता था ग्रैंड फादर्स आई साइड बींग रीक क्योंकि ग्रैंड फादर का आँख खराब होने के वजह uh, से वो पढ़ नहीं पाते थे राकेश फाउंड द न्यूज़ पेपर वेरी डल स्पेशली आफ्टर द स्टोरीज लेकिन वो कहानी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के बाद उसको न्यूज़ पेपर अच्छा नहीं लगता था एकदम डल लगता था पर ग्रैंड फादर वॉन्टेड ऑल द न्यूज़ लेकिन ग्रैंड फादर को न्यूज़ सुनना था देन न्यू इट वॉज स्प्रिंग वन द वाइल्ड डक फ्लू नॉर्थ अगेन टू साइबेरिया वो जानते थे स्प्रिंग के समय मतलब विंटर के बाद बसंत ऋतु में डक जो है वाइल्ड डक जो साइबेरिया से आता था आ, साइबेरिया बहुत इससे भी ठंडा होता है बहुत भयानक ठंडा होता है उसके आ, उसके कंपेरिजन में हमारा देश माना हिमालयन फूटेज कम ठंडा होता है तो इसीलिए वो लोग ठंडा के मौसम में साइबेरिया में साइबेरिया से हिमालय में चले आते थे और फिर स्प्रिंग के समय फिर वापस चले जाते थे साइबेरिया में अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन ही अप टू चॉप वुड एंड लाइट अ फायर तो सुबह उठ के वो लकड़ी काटता था काटता था और आग जलाता था राकेश सॉ वी शेप फॉर्मेशन स्ट्रीमिंग नॉर्थवर्ड्स उस समय राकेश को दिखाई दिया कि एक तो वी के तरह शेप का कुछ निकल रहा है स्ट्रीमिंग नॉर्थवर्ड्स माने हवा के चलते वो नॉर्थ वर्ड बह रहा है कोई चीज़ एक तो हार्ड द कॉल्स सॉरी जो वी शेप फॉर्मेशन स्ट्रीमिंग नॉर्थ वर्ड्स हाँ राकेश ने देखा कि आसमान में जो है बर्ड्स वी के आकृति से एक साथ ग्रुप से वो लोग उड़ रहे थे और उन लोग का पूरा ग्रुप का जो फॉर्मेशन uh, जो था वो वी शेप का हो गया और वो लोग नॉर्थवर्ड जा रहे हैं मतलब साइबेरिया में वन मॉर्निंग इन द गार्डन ही बेंट टू पिक अप वॉट ही थाट वॉज अ स्मॉल ट्विग एंड फाउंड टू हिज सरप्राइज दैट इट वॉज वेल रूटेड एक दिन सुबह क्या हुआ वो झुक के कुछ देखा नीचे स्मॉल ट्विग मतलब छोटा सा ब्रांच ऑफ प्लांट uh, uh, वो देखा और उसको जब उठाने गया तो देखा कि अरे वो तो एकदम पूरा जड़ अट से अटका हुआ है ही स्टेयर इट फॉर अ मोमेंट एक एक पलक के लिए उसने उसको देखा देन रैन टू फेज ग्रैंडफादर कॉलिंग दादा कम एंड लुक द चेरी ट्री हैज़ कम अप और उसने जाके दादाजी से कहा कि दादा आइए देखिए चेरी ट्री हो गया है आ गया है वो चेरी ट्री आस्ट ग्रैंड फादर हु हैड फॉर गॉटन अबाउट इट अब ग्रैंड फादर भूल गए थे चेरी ट्री के बारे में और बोले कि कौन सा चेरी ट्री द सीड वी प्लांटेड लास्ट ईयर लुक इट्स कम अप तो उसने कहा कि देखिए जो हम लोग पिछले साल जो बीज लगाए थे वो आया है निकल आया है उसका प्लांट राकेश वेंट ऑन वेंट डाउन ऑन हीज हॉन्चेज वाइल ग्रैंड फादर बेंट ऑलमोस्ट डबल एंड पियर डाउन एट द टाइनी ट्री और वो एकदम वो पूरा एकदम जमीन में लेट के लगभग राकेश उसको देखने लगा और ग्रैंड फादर भी बेंट हो गए एकदम झुक के उसको देखने लगे एकदम पियर डाउन दैट मीन्स एकदम चो, आँख छोटा करके उसके तरफ देखने लगे देखे वो छोटा सा ट्रीम क्योंकि अच्छे से तो दिख नहीं रहा था इट वॉज़ अबाउट फोर इंचज हाई ओनली चार इंच था वो येस इट्स चेरी ट्री सेट ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर बोले हाँ ये तो चेरी ट्री है यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन इसमें थोड़ा सा तुमको पानी डालना चाहिए राकेश रैन इनडोरस एंड केम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर डोंट ड्राउन इट सेट ग्रैंड फादर राकेश तो दौड़ के एक बाल्टी पानी लेके चलाया तो ग्रैंड ने कहा कि डोंट ड्राउन इट इसको डुबो नहीं राकेश गेव अ स्प्रिंकलिंग एंड सर्कल डिट विथ पेबल्स अब राकेश ने हाथ से छीटा मारा उसमें पानी का और उसके चारों तरफ पेबल्स से एक तो सर्कल बना दिया ही लुकड एट द ट्री एवरी मॉर्निंग बट ही डिड नॉट सीम टू बी ग्रोइंग वेरी फास्ट और रोज उस ट्री को देखता था लेकिन वो तो जल्दी से ग्रो नहीं कर रहा था सो ही स्टॉप लुकिंग एट इट एक्सेप्ट क्विकली आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफिस आई तो उसने देखना छोड़ दिया खाली कभी कभी आँख के कोने से उसको देखता था आफ्टर अ आफ्टर अ वीक और टू वेन ही अलाउड हिम सेल्फ टू लुक एट इट प्रॉपरली ही फाउंड दैट इट है ऐट लीस्ट टेन इंच तो एक हफ्ता या दो हफ्ता के बाद वो अच्छे से एक बार जब देखा उसके तरफ तो देखा कि अरे वो तो एक इंच बढ़ गया है that year the monsoon rains came early and rakesh plodded to and from the school in raincoat and gum boots uh, to uh, us the uh, us bar monsoon bahut jaldi aa gaya rakesh plodded that means wo uh, dhap dhap karke aa raha tha school se क्योंकि वो uh, raincoat पहना हुआ था और पैर में गम गम बूट्स जो बरसात का मौसम में जो नॉर्मल जो हम लोग का शू है वो भीग जाता है तो खराब हो जाता है तो इसीलिए कुछ रबर टाइप का चीज का एक्टो तो घुटना तक जूता लोग पहनते हैं उसको गामबूट्स कहा जाता है तो उससे पैर भीगता नहीं है जूता खराब नहीं होता है तो गाम्बूट पहना हुआ था तो इसीलिए वो थोड़ा बड़ा होता है तो इसीलिए धब धब टाइप का होता है तो इसी को प्लॉडेड कहा गया है वॉक विथ हैवी स्टेप्स और फर्न स्प्रैंग फ्रॉम द ट्रंक्स ऑफ द ट्रीज स्ट्रेंज लुकिंग लिलीज केम आप इन द लॉन्ग ग्रास तो फर्न्स निकाल आया था टे फर्न एक तरह का प्लांट है जो कि ट्री से ट्री के जो मोटे मोटे ट्रंक्स हैं उसमें से निकल आते हैं उसमें जन्म लेते हैं स्ट्रेंज लुकिंग लिलीज बहुत अजीब अजीब देखने में लिली फ्लावर्स भी आ जाते थे लॉन्ग ग्रास में इवेन वेन इट वॉज रेनिंग द ट्रीज ड्रिप्ट एंड मिस्ट केम कर्डिंग आप द वैली और जब रेनिंग नहीं भी होता है बड़े बड़े सब ट्रीज है ओक ट्री देवदार ट्री उसमें से पत्ते बहुत देर तक उसमें पत्ते टपकते पानी टपकते रहते हैं एंड मिस्ट मिस्ट धीरे धीरे कर्लिंग करके देट मीन्स जैसे कि घूम घूम के वहाँ पर आ रहा था कोहरा द चेरी ट्री ग्री क्विकली इन दिस सीजन और ठंडा के मौसम में वो बहुत जल्दी बढ़ने लगा इट वॉज़ अबाउट टू फीट हाई वेन अ गोट एंटर द गार्डन एंड एट ऑल द लीव्स अब जब वो दो फिट हाई हुआ तो उसका सारा पत्ता सारे पत्ते जो है एक तो गोट आके खा लिया ओनली द मेन स्टेम एंड थी टू थीन ब्रांचेज रिमेन तो इसका जो मेन स्टेम और छोटा 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 पतला पत्ता दो ब्रांचेस बचा हुआ था नेवर माइंड सेट ग्रैंडफादर सीइंग दैट राकेश वॉज आपसेट राकेश अपसेट हो गया दुखी हो गया तो ग्रैंडफादर ने कहा कि कुछ मत सोचो इट विल ग्रो अगेन चेरी ट्रीज आर टफ चेरी ट्रीज बहुत टफ होता है जल्दी से मरता नहीं है वो फिर से बढ़ जाएगा टूवर्ड्स द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपियर्ड ऑन द ट्री देन अ वोमेन कटिंग ग्रास कार्ट द चेरी ट्री इन टू अब रेनी सीजन के अंत में क्या हुआ जब नए नए पत्ते आ रहे थे उसमें उस समय एक तो औरत जो कि घास काटती थी वो आके काट के आधा कर दिया उसको वेन ग्रैंड फादर सॉ व्हाट एंड हैपेंड ही वेंट आफ्टर द वन वमेन एंड स्कोल्डेड हार जब ग्रैंड फादर ने देखा कि क्या हुआ तो वो जाके डांटे उसको बट द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर लेकिन जो हाँ डैमेज हो चुका था उसका तो कुछ हुआ नहीं मे बी इट विल डाई नाउ सेड राकेश तो राकेश बोले बोला कि शायद अब ये मर जाएगा मे बी सेड ग्रैंड फादर ग्रैंड फादर भी बोले हो सकता है पर द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग लेकिन चेरी ट्री मरने वाला नहीं था बाई टाइम समर केम राउंड इट हैड सेंट आउट सेवरल न्यू शूट्स विथ टेंडर ग्रीन लीव्स राकेश हैड ग्रोन टॉलर टू जब समर आया फिर से वो नए नए शूट्स उसमें आ गए ब्रांचेस आ गए और उस छोटे छोटे पत्ते भी आए राकेश भी लंबा हो गया था ही वॉज एट नाउ अ डी बॉय विथ कार्ली ब्लैक हेयर एंड डीप ब्लैक आइज उसके आँखें और बाल सब काले थे बहुत और ब्लैकबेरी आइज़ ग्रैंड फादर कॉल्ड हिम और उसका आँख को ग्रैंड फादर ब्लैकबेरी आइज मतलब जामुन के तरह आँख बोलते थे दैट मॉनसून राकेश वेंट होम टू तो हिज विलेज टू हेल्प हिज फादर एंड मादर विद द प्लांटिंग एंड प्लाउिंग एंड सोइंग ग्राकेश उस समय गांव चला गया अपने मम्मी पापा के पास और उनको खेती बाड़ी में मदद करने के लिए ही वॉज़ थीनर बट स्ट्रोंगर वेन ही केम बैक टू ग्रैंड फादर्स हाउस एट द एंड ऑफ द रेंस बरसात के बाद वो जब ग्रैंड के घर में आए तो वो थोड़ा पतला भी हो गया था लेकिन स्ट्रॉन्गर हो गया था बहुत काम किया ना टू फाइंड डैट द चेरी ट्री हैड ग्रोन एन अदर फूट और वो वहाँ पर देखा कि चेरी ट्री और एक फुट बढ़ गया है इट वॉज़ नाउ आप टू हिज चेस्ट अब वो उसके चेस्ट तक आ गया था इवेन वेन देयर वॉज रेन राकेश रूट समटाइम्स वॉटर द ट्री ही वॉन्टेड इट टू नो दैट ही वॉज देअर और बरसात होने से भी उसमें पानी डालता था क्योंकि वो चाहता था कि चेरी ट्री को यह समझ में आया कि वो वहाँ पर है वन डे ही फाउंड द ब्राइट ग्रीन प्लेइंग मैंटिस पर्च ऑन द ब्रांच पियरिंग एम विथ बल्जिंग आइज राकेश लेट इट रिमेन देअर तो एक दिन देखा कि एक ठो मैंटिस एक तरह का बर्ड जो है सॉरी एक इंसेक्ट जो है वहाँ पर आके बैठा हुआ है और उसको देख रहा है ग्रीन कलर का एक तरह का इंसेक्ट होता है और राकेश उसको वहीं पर रहने दिया इट वॉज द चेरी ट्रीज़ फर्स्ट विजिटर पहला कोई इंसेक्ट इसमें आया था द नेक्स्ट विजिटर वॉज अ हेयरी कैटर पिलर हु मील ऑफ द लीव्स अब उसके बाद एक कैटर तो पिलर आया जो कि उसके पत्ते खाना शुरू किए थे राकेश रिमूव इट क्विकली एंड ड्रॉप इट ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स अब उसको हटा के राकेश सूखे पत्ते के ऊपर छोड़ दिया और बोला कम बैक वेन यू आर अ बटरफ्लाई ही सेड बोले जब तुम बटरफ्लाई बनोगे तभी आना क्योंकि बटरफ्लाई तो हेल्प करता है ना पॉलिनेशन में विंटर केम आर्ली द चेरी ट्री बेंट लो विद द वेट ऑफ द स्नो वेट ऑफ स्नो अब उसके बाद ठंडा के मौसम में बर्फबारी जब हो रहा हुआ तो उसके ऊपर भी गिरा फील्ड माइस शॉर्ट शेल्टर इन द रूफ ऑफ द कॉटेज अब फील्ड माइस जो है चूहे जो है वो आके शेल्टर लेने लगा कॉटेज के ऊपर द रोड फ्रॉम द वैली वॉज ब्लॉक्ड एंड फॉर सेवरल डेज देयर वॉज नो न्यूज़ पेपर एंड दिस मेड ग्रैंड फादर क्वाइट ग्रम्पी उसके बाद सारे रास्ते भी बंद हो गया स्नो के कारण और न्यूज़ पेपर आना बंद हो गया ग्रैंड फादर ग्रम्पी हो गए मतलब थोड़ा सा गरियाने लगे हिज स्टोरीज बिगैन टू हैव हैप्पी एंड एंड अनहैप्पी एंडिंग्स उनके जो स्टोरीज जो है उसके एंडिंग्स अनहैप्पी होने लगे इन फेबर इट वॉज राकेश बर्थडे ही वॉज नाइन फेबरवरी में राकेश का बर्थडे हुआ वो नौ नौ साल का हो गया एंड द ट्री वॉज टू बट ऑलमोस्ट एज टॉल एज राकेश ट्री का उम्र दो साल था लेकिन वो लगभग राकेश के बराबर हो गया था वन मॉर्निंग वेन द सन केमाउंट ग्रैंड फादर केम इन टू द गार्डन लेट सम वम्थ गेट इन टू माई बोन्स ही सेड एक दिन सुबह जब सन निकला था उस समय वो धूप में जाकर बैठे ही स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द चेरी ट्री स्टेयर्ड एट इट फॉर अ फ्यू मोमेंट्स एंड देन कॉल्ड आउट राकेश कम एंड लोक कम क्विकली बिफोर इट फॉल्स तो वो एक तरफ चेरी ट्री के तरफ देखकर बोले राकेश कम कम देखो यहाँ पर जब तक ये गिर ना जाए राकेश and grandfather gazed गेस्ट the द ट्री एस it had हैड परफॉर्म्ड miracle. अब वो लोग देख के एकदम अचानक में पड़ गए आश्चर्य में पड़ गए लगा कि एक तो कोई आश्चर्य हो गया अजूबा देर वॉज अ पेल पिंक ब्लूज़म एट द एंड ऑफ अ ब्रांच एक तो ब्रांच के ऊपर उसमें एक तो छोटा सा फूल था द फॉलोइंग ईयर देर वर मोर ब्लूजम्स इसके बाद वाले साल में और भी ज़्यादा फूल खिलने लगे

राकेश हैड ग्रोन टू ही कुड रन एंड जम्प एंड क्लाइंब ट्रीज एज वेल एज मोस्ट बॉयज़ एंड ही रीड अ लॉट ऑफ बुक्स ऑल दो ही स्टिल लाइक लिसनिंग टू ग्रैंडफादर स्टेल्स लेकिन राकेश भी बड़ा हो गया था अभी वो ट्रीज़ में उठ सकता था जम्प कर सकता था लेकिन अभी और बुक्स भी बहुत सारे पढ़ते थे लेकिन वो उसको ग्रैंडफादर का कहानी भी अच्छा लगता था इन द चेरी ट्री बीज केम टू फीड ऑन द नेक्टर इन द ब्लूजम्स वहाँ पे बहुत सारे बीज मतलब मधुमक्खी आते थे वो ब्लूजम्स से वो लोग फूलों से शहद नेक्टर लेने के लिए टाइनी बर्ड्स पेक्ट एट द ब्लूज़म्स एंड ब्रोक देम ऑफ लेकिन छोटे छोटे जो पक्षियाँ चिड़िया जो होते हैं ना वो फूलों को तोड़ भी देते थे बट द ट्री के स्प्रिंग उसका इसमें इतने फूल खिले लगे कि जो, जो कि चिड़ियों से भी ज्यादा हुआ करते थे दैट समेर वर स्मॉल चेरीज ऑन द ट्री उस समय गर्मी में छोटे छोटे चेरीज आने लगे राकेश टेस्टेड वन एंड स्पैटी टाउड इट्स टू सावर हिसेड अब एक तो उसने टेस्ट किया और तुरंत मुँह से थूक के फेंक दिया अरे ये तो बहुत खट्टा है दे विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर सेट ग्रैंड फ़ादर ग्रैंड फादर बोले कि अगले साल वो अच्छा होगा बट द बर्ड्स लाइक देम स्पेशली द बिगर बर्ड्स सच एज द बुलबुल्स एंड स्कारलेट मिनीवेट्स एंड दे फ्लीटेड इन एंड आउट ऑफ द फोलिएज फिस्टिंग ऑन द चेरीज लेकिन चिड़ियों को वो अच्छा लगता था बुलबुल स्कारलेट ये सब तरह तरह के बर्ड्स वहाँ पर आते थे और फुलज के अंदर मतलब पत्ते के पत्तों के अंदर जाके वो लोग उसमें फीस करते थे मतलब भोज करते थे ऑन अ व सनी आफ्टरनून वेन इवन द बीज लुक स्लीपी राकेश वॉज लुकिंग फॉर ग्रैंड फादर एंड कूडन फाइंड हिम इन एनी ऑफ ऑफिस फेवरेट प्लेसेज अराउंड द हाउस एक दिन शाम को बहुत जिस समय सनी था धूप खिला था तो उस समय राकेश देखे कि ग्रैंडफादर कहीं नहीं है उनके जो फेवरेट प्लेसेस जो थे घर में उसमें कहीं नहीं है देन ही लुकड आउट ऑफ द बेडरूम विंडो एंड सॉ ग्रैंडफादर रिक्लाइनिंग ऑन अ केन चेयर अंडर द चेरी ट्री अब देखा कि चेरी ट्री के वो विंडो से उसको दिखाई दिया कि ग्रैंडफादर एक तो केन चेयर लेके

अब राकेश ने कहा कि हाँ ये पत्ते बहुत सुंदर है और जब भी हवा आता है तो वो डांस करने लगते हैं आफ्टर ग्रैंड फादर हैड कम इनडोर्स राकेश वेंट इन टू द गार्डन एंड ले डाउन ऑन द ग्रास बीनीथ द ट्री जब भी ग्रैंड अंदर आते थे राकेश गार्डन में छुट दौड़ के चला जाता था और जाके माने चेरी ट्री के नीचे घास में सो जाता था लेट जाता था ही गेस्ट आप थ्रू द लीब्स एट द ग्री ग्रेट ब्लू स्काई एंड टर्निंग ऑन हीज साइड ही कुर्सी द माउंटेन्स राइडिंग अवे इन टू द क्लाउड और वो उसके नीचे बैठ के लीब्स के अंदर से आसमान को देखता रहता था और देखता था कि जैसे कि क्लाउड जो उड़ के जा रहा था जाता था उसी में लगता था कि क्लाउड नहीं उड़ रहा है माउंटेन ही जैसे कि उड़ के चला जा रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है

और जब तक ना अंधेरा हुआ वो लोग वहाँ पर बैठे रह गए देर आर सो मेनी ट्रीज इन द फॉरेस्ट सेठ राकेश राकेश ने कहा कि जंगल में कितने सारे ट्रीज़ है व्हाट सो स्पेशल अबाउट दिस ट्री लेकिन इस पेड़ का क्या खास है वाई डू वी लाइक इट सो मच हम लोग को क्यों ये अच्छा लगता है वी प्लांटेड इट आवर सेल्फ सेठ ग्रैंडफादर देर इस वाई इट्स स्पेशल तो ग्रैंडफादर बोलने लगे क्योंकि हम लोगों ने इसने लग, इसको लगाया है इसीलिए खास है जस्ट वन स्मॉल सीड सेड राकेश एंड ही द स्मूथ बार्क ऑफ द ट्री दैट हैड ग्रोन तो राकेश उसको छू के बोल पहले बोला कि एक छोटा सा सीड बोल के वो ट्री के ऊपर अपना हाथ फेरने लगा ही हिज हैंड अलॉन्ग द ट्रंक ऑफ द ट्री एंड पुट इज हिंड फिंगर टू द टीप ऑफ अ लीव अब उसको वो च, उसका ट्रंक को उसका मैंने ब्रांचेस को तना को वो छूने लगा पत्तों को छूने लगा आई वंडर ही विस्पर्ड इज दिस वॉट इट फील्स टू बी गॉड यही क्या अपने आप को भगवान समझना है क्योंकि भगवान भी भगवान ने क्या किया ये पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया तो हम लोग भी जब एक पेड़ को लगाते हैं पेड़ पौधा को लगाते हैं हम लोग भी कुछ क्रिएट करते हैं एक चीज़ को जिंदा कर देते हैं तो इसीलिए एक प्लांटर जो है जो एक प्लांट लगाता है वो भी एक तरह से भगवान के तरह ही है तो यही मैसेज इस स्टोरी से दिया गया है आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी स्टूडेंट्स एंड इफ यू हैव एनी डाउट Then you can ask it in the comment box. Thank you.